अब दोनों आईटी स्टॉक्स एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा दोनों शेयर्स कैसे लग रहे हैं, स्पेशली टेक महिंद्रा पे आपकी राय, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी भी अपनी कॉल देके गए यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है, सभी एवरेजेस के ऊपर, और आईटी शेयर्स पे आज टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स पे स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये मोमेंटम बढ़ सकता है क्या टेक महिंद्रा? येस डेफिनेटली, अगर डेली चार्ट भी देखेंगे और वीकली चार्ट इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मोमेंटम इज ऑन द हायर साइड, एक बुलिश रेंज बना ली है डेली स्टॉक में, उसके ऊपर द मोमेंटम इज ऑन द बुलिश रेंज। एडिशनली 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर रहा है स्टॉक के ऊपर। 570 एक रेजिस्टेंस है जहां से देयर वाज सप्लाई लास्ट वीक, 570 के ऊपर आई विल बी मोर कंफर्टेबल बाइंग द स्टॉक, तो 570 का एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाय करना चाहेंगे स्टॉक। चलिए, इनफैक्ट यहाँ पर ही कुछ ऐसे ट्रेड्स जहाँ पर तेजी बन रही है, और एक स्टॉक जो बहुत ही रेंज में फंसा हुआ वो है ONGC, लेकिन निचले स्तरों से जिस तरीके से क्रूड पलटा, ब्रेंट $50 के आसपास आ गया इंटरनेशनल मार्केट पे, ONGC निचले स्तरों से तेजी पकड़ रहा है, ये स्टॉक क्या अभी और तेजी पकड़ सकता है, इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या फिर अवॉइड करेंगे आप? ONGC काफी टाइम से इट्स बीन इन अ साइडवेज रेंज, मोमेंटम भी एक साइडवेज रेंज में है, प्राइस इज ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू मूव अबाउट द 225-227 लेवल्स, तो ओनली आफ्टर इट कम्स एक कंसोलिडेशन से एक बार बाहर आ जाएंगे फिर इट कैन कंटिन्यू द ट्रेंड, तो ये स्टॉक में तब तक नहीं एंटर करेंगे जब तक ये 225 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए, लेकिन एक बार फिर से यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं, क्योंकि 2.5% की तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग मूव मिल गया, और ये आप ध्यान में रखिए कि 23 जून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है पूरी यूरोपियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि EU का मेंबर ब्रिटेन रहेगा या फिर वहां से बाहर होगा, इसके ऊपर वोटिंग होनी है। लेकिन अब जो मत आ रहे हैं, अब जो पोल आ रहे हैं, उसका नतीजा है कि 2.5% की तेजी डैक्स और कैक दोनों ही इंडाइसिस पे देखने को मिली, तो मैं कहूँगा स्ट्रांग मूव कल के सत्र में मिला था, 1% से 1.5% की तेजी बन रही थी, लेकिन आज जो ओपनिंग हुई है उसमें तो जबरदस्त तेजी बन गई है, और 2.5% का पॉजिटिव मूव अभी बाजार खुलते हुए इन दोनों इंडाइसिस ने दे दिया है। बाजार पर जो दिग्गज रमेश दवानी है उनका ये कहना है, थोड़ी देर पहले उनसे हमने बात की थी, उनका ये कहना है कि बाजार पे हो सकता है कि मूव अगर पॉजिटिव मिले अगर ब्रिटेन EU का हिस्सा रह जाता है तो। आइए सुनते हैं उन्होंने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। बाजार की अंडरटोन है, जो धारणा है, जो लीडरशिप है, आप देखिए द क्वालिटी ऑफ कंपनीज दैट आर गोइंग अप। पब्लिक सेक्टर बैंक्स घट रहे हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर गोइंग अप। अ लॉट ऑफ द ओल्ड फेवरेट साइक्लिकल कंपनीज लाइक टेलको आर मेकिंग न्यू हाइज अगेन। This consumer consumption is recurring as a theme. So leadership is good in the market. Abhi tak log doubtful hai, which is always good for a rally. So my sense is that around 7800 should be a very very strong base. Despite Brexit, if Brexit ho bhi gaya, to ghat ke bazaar badh jayega. So I think jo market hai, jo next balance of the year, I think the only thing I'm worried about is the monsoon. Ki monsoon ka progress लगातार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद भारत को एक अच्छी मॉनसून की बहुत सख्त आवश्यकता है। सो आई थिंक दैट हैपेंस वी विल हैव अ वेरी गुड ईयर इन द बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलिए, इसी नोट पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन 2.5% की तेजी यूरोपियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है, और दिन के उच्चतम स्तर पे 82.24 के लेवल पे निफ्टी आ चुके हैं, स्ट्रांग मूव मिल चुका है। ऐसे में कौन सी ऑप्शन आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए?